हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनिश में। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी के बाद न्यू नोटिफिकेशन क्या आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 29, 2020 यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस रिपोर्ट इज 29/12/2020 ऑफ रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड बाई द कमीशन सिलेक्शन बोर्ड। तो देखिए, इसमें आपके जो कि एग्जाम्स हुए थे उनके रिजल्ट के बारे में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है, कौन सा नोटिफिकेशन है, इसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई है, तो इस वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे। और फ्रेंड्स, आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीनी सुख पर नए हैं, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर ओके करते हैं, पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन कौन सा है, हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है नोटिफिकेशन के अंदर। तो देख सकते हैं स्टेटस रिपोर्ट इज ऑन 29/12/2020 ऑफ रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन। देखिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आपके एग्जामिनेशन थे उनके देख सकते हैं यहाँ पर टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि आपकी संभावित रिजल्ट जारी करने की डेट बताई गई है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जो कि आपके फाइनल रिजल्ट जो एग्जामिनेशन 2018 है उनका फाइनल रिजल्ट है, जो कि आपके डेट बताई जा रही है 11 जनवरी 2021 को इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। दूसरा देख लेते हैं हम, सेकंड कमांडेड हायर सेकेंडरी 12वीं लेवल एग्जामिनेशन 2019 टीयर फर्स्ट का जो कि रिजल्ट है वो आपके 15 जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। और देखिए, थर्ड कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 फाइनल रिजल्ट है वो आपके 20 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। अगला देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन जो कि पेपर फर्स्ट था 2020 में अभी हुआ था, जो आपके 20 जनवरी को रिजल्ट जारी करने की संभावित तिथि बताई जा रही है। और देखिए, पांचवा है जो कि कमांडेड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 टीयर सेकंड का जो कि एग्जाम है उसका रिजल्ट 20 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। और देखिए, छठा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 पेपर फर्स्ट है, इसका रिजल्ट आपके 26 फरवरी को रिलीज करने की तैयारी है। और देखिए, सातवा आपके जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटली सर्विंग सेंटर, इसके आपके देख सकते एग्जामिनेशन 2019 है पेपर फर्स्ट है, उसका एग्जाम का रिजल्ट आपके 26 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। यानी सब इंस्पेक्टर का और ये जूनियर इंजीनियर का दोनों ही एक साथ करने की संभावित डेट आपको बताई गई है। तो अगले देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला देखिए, आठवा जो कि आपके मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 फाइनल रिजल्ट है, जो कि आपके 5 मार्च को रिजल्ट जारी करने की संभावित डेट बताई जा रही है। और देखिए, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 कंप्यूटर टेस्ट एग्जामिनेशन, इसका रिजल्ट आपके 15 मार्च तक रिलीज किया जाएगा। और देखिए, दसवां आपके जो कि कमांडेड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 फाइनल रिजल्ट, जो कि आपके 31 मार्च को जारी किया जाएगा। और 11 देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन पोस्ट पेज 8/2020 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका आपके 9 अप्रैल को बताया जा रहा है। और देखिए, 12 आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी एग्जामिनेशन 2019 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके लिए आपके 9 अप्रैल को रिलीज होगा आपका रिजल्ट। और देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सी एफ ए एस आई पी एंड सी आई एफ एग्जामिनेशन 2018 जो कि इसका फाइनल रिजल्ट है, जो आपके 20 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। और देखिए, लास्ट कमांडेड हायर सेकेंडरी लेवल 12 एग्जामिनेशन 2018 फाइनल रिजल्ट है, इसका आपके देखिए 30 जून 2021 को रिलीज किया जाएगा। ये है इसकी संभावित डेट्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और डिटेल इसमें आप बता देता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू नोटिफिकेशन और भी रिलीज किया गया है। इसमें आपके एक न्यू वैकेंसी है जिसमें आपके 6,000+ पोस्टेज है। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, वो सब भी हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी न्यूज़ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।